आज हम लोग सिलोजिज्म या न्यायवाक्य को हल करने का बेन आरेख से अलग नियम आधारित क्या कोई तरीका हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। और आप ये पाएंगे कि अगर हम कुछ बातों को समझ जाएं, सीख जाएं और अभ्यास कर जाएं, तो हम बहुत आसानी से सिलोजिज्म के प्रश्नों को या सिलोजिज्म जैसे लगने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दरअसल जो सिलोजिज्म है वह एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है, एक प्रकार की युक्ति होती है, कथनों के समूह को युक्ति कहते हैं, और कथनों का वह समूह युक्ति कहा जाता है जिसमें एक व्यवस्था या एक संग व्यवस्था और संगति पाई जाती है, या दिए गए कथनों से हम किसी कथन की सत्यता जब निकालते हैं तो ऐसे कथनों के समूह को युक्ति कहते हैं। जैसे युक्ति का एक सरल सा उदाहरण है कि चूंकि आज शनिवार है इसलिए कल रविवार होगा। अब इस युक्ति में कुछ बातें छिपी हुई हैं कि प्रत्येक शनिवार के बाद रविवार दिन आता है, चूंकि आज शनिवार है इसलिए रविवार होगा। तो जो जिसको हम सिलोजिज्म कहते हैं, जिसको हम न्यायवाक्य कहते हैं, वह न्यायवाक्य जो है उस एक प्रकार की युक्ति है, एक प्रकार का वास्तव में क्या है, आर्गुमेंट है। और ये जो आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट की एक खास विशेषता क्या होती है कि इसमें हम दो कथनों से, दो स्टेटमेंट से हम निष्कर्ष को निकालते हैं। तो दो कथनों के समूह से जब हम किसी निष्कर्ष को निकालते हैं तो ऐसी युक्तियों को न्याय वाक्य कहा जाता है। जब आप किसी एग्जामिनेशन को, चाहे वो यूपी, चाहे वह आईएएस में सीसेट का एग्जामिनेशन हो या यूपी पीसीएस में जो सीसेट का पेपर होता हो, या फिर जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग के सवालों के अंतर्गत सिलोजिज्म के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और बच्चे सिलोजिज्म को हल करने में आम तौर पर एक वेन आरेख पर आधारित विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सर्किल को ड्रॉ करके उत्तर निकाला जाता है। लेकिन बहुत सी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनमें सर्किल को ड्रॉ करके कई बार उत्तर निकालना आसान नहीं होता, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर वेन आरेख पर आधारित जो सर्किल ड्रॉ किए जाते हैं उन सर्किल्स से या उन सर्किल के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या हम कोई एक ऐसा दूसरा वैकल्पिक तरीका ढूंढ सकते हैं? क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं? हम लोग यहां पर इस बात को समझेंगे। जैसे यहां पर हम पहले ये समझें कि हमें किन बातों को, किन नियमों को, किन थंब रूल्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग जो है वह एक प्रकार का थॉट है, यह एक प्रकार की सोचने की क्या है, प्रक्रिया है। लेकिन सोचने का वह प्रकार जिसमें एक व्यवस्था हो और जिसमें एक कोहेरेंस हो, उसे रीजनिंग कहा जाता है। रीजनिंग में इसका यह मतलब हुआ कि एक तो कोहेरेंस थॉट हो, दूसरा सिस्टमेटिक हो। रीजनिंग की जो यूनिट होती है वो स्टेटमेंट होता है, इसलिए जिस विद्यार्थी के स्टेटमेंट पर अच्छी समझ होगी वह रीजनिंग को हल करने में एक ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में अपने आप को पाएगा।
थोड़ा स्टेटमेंट की भी हमें समझ क्या है होनी चाहिए, और स्टेटमेंट जो यूज किए जाते हैं उन स्टेटमेंट में आप ये पाएंगे कि कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों की भी समझ होनी चाहिए। मैं यहां पर सबसे पहले कुछ थंब रूल्स बताऊंगा, उन थंब रूल्स के आधार पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहां पर जैसे थंब रूल्स में जो सबसे पहली बात है कि जब एक विद्यार्थी न्यायवाक्य को हल करने के लिए आगे बढ़ता है तो न्यायवाक्य को हल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है उसे दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि उसको कुछ स्टेटमेंट जो उसमें प्रयोग किए जाते हैं उसके क्वालिटी पर और उसके क्वांटिटी पर दोनों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उसकी कथनों की जो मात्रा होती है और कथनों का जो गुण होता है उस पर ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ ही जो पद होते हैं, जो टर्म यूज किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में भी उसे ध्यान देना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि न्यायवाक्य को कोई भी विद्यार्थी बहुत ही चुटकियों में हल कर सकता है अगर वो कुछ बातों को समझ ले। सिलोजिज्म को हल करने का एक अचूक तरीका विकसित किया जा सकता है, एक अचूक तरीका परीक्षाओं में लगाया जा सकता है, और वह अचूक तरीका जो है वो अरस्तु, जिन्होंने सिलोजिज्म को प्रतिपादित किया, सिलोजिज्म के नियमों को स्पष्ट किया, उनके आधार पर हम यहां पर उस अचूक तरीके को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब आप सिलोजिज्म को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर ये देखें कि कथन का गुण क्या है। कथन का गुण दो होता है, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। तो जितने भी सकारात्मक जितने भी नकारात्मक कथन हैं, उन नकारात्मक कथनों के बारे में आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको ऐसा कथनों का कोई भी समूह मिलता है जिसमें दोनों कथन नकारात्मक हैं तो उससे कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उससे कोई भी वैध न्यायवाक्य, उससे कोई भी वैलिड सिलोजिज्म नहीं बनेगा। मतलब यहां पर कि दो नहीं वाले अगर आपको कथन मिलते हैं तो उन पर आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, दो नहीं वाले कथनों से कोई भी वैध निष्कर्ष, कोई भी वैध न्यायवाक्य नहीं बनेगा। इस ये पहला नियम है जो अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। जब आपको परीक्षाओं में एक दो तीन चार कथन दिए जाते हैं तो आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें दो नहीं वाले कथन हैं। अगर दो नहीं वाले कथन हैं तो गोला वोला बनाने का प्रयास मत करिए, वृत्त बनाने का प्रयास मत करिए, उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरी बात यहां पर ये कि दो कुछ वाले जो कथन होते हैं, इन दो कुछ वाले कथनों से भी आप कोई भी वैध न्यायवाक्य नहीं निकाल सकते। दो कुछ वाले कथनों से वैध न्यायवाक्य या वैध निष्कर्ष नहीं निकलता है। दरअसल ये सिलोजिज्म का नियम है कि दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों से किसी भी वैध निष्कर्ष का निगमन नहीं हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ चीजों को मोटे तौर पर जानते हैं और हमें जो विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, अगर हम उनमें से कुछ चीजों को पहले कुछ विकल्पों को इलिमिनेट कर सकें तो हमारे जो वास्तव में सवाल को लगाने का जो समय होगा वह समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को आप समझिए कि मैं ये बात किस आधार पर कह रहा हूं। जैसे हम लोग अगर यहां पर कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो जैसे आईएएस 2019 का ये सवाल पूछा गया, आईएएस 2019 सीसेट के पेपर में ये सवाल पूछा गया कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये दोनों कथन कुछ वाले हैं, तो हम इससे ट्राई ही ना करें कि दोनों कथनों से मिलाकर कोई निष्कर्ष क्या है निकलेगा। अगर हमें ये बात मोटे तौर पर पता है तो हम यहां पर कोई गोला, कोई समय जया करने का काम नहीं करेंगे। वैसे भी ये सवाल सिलोजिज्म जैसा दिखता है, लेकिन ये सवाल सिलोजिज्म पर नहीं, आर्गुमेंट बेस्ड रीजनिंग का उदाहरण नहीं है ये। दरअसल ये जो क्वेश्चन है
ये स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग का उदाहरण है। कुछ चूहे बिल्लियां हैं, ये जो कुछ चूहे बिल्लियां हैं इनमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करके अगर कन्वर्जन करते हैं तो हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। और जो सम वाले, जो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट होते हैं, कुछ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, उन कुछ वाले स्टेटमेंट में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं, उद्देश्य और विधेय को क्या कर सकते हैं, अदल बदल सकते हैं। तो जब आप देखते हैं कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं, आपने इसमें जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर दिया, उससे एक आपको दूसरा स्टेटमेंट मिला जो वैलिड है, जो जिसका डिडक्शन वैलिड है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करने के संदर्भ में कोई नहीं और कुछ है वाले जो कथन होते हैं वे हमेशा सही माने जाते हैं, या उन पर कन्वर्जन जिसको कहा जाता है वो ठीक माना जाता है। इसलिए कुछ चूहे बिल्लियां हैं, जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे इसको निकलेगा कुछ बिल्लियां चूहे हैं, और ये केवल तीन में क्या है दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर कुछ नियमों को जान जाएं तो उन नियमों के माध्यम से हम अपना समय क्या बचा सकते हैं। सिलोजिज्म को हल करने का पहला महत्वपूर्ण नियम याद रखिए कि दो नहीं वाले कथन या दो नकारात्मक कथनों का समूह अगर आपको मिलता है तो उससे कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उसको मिलाकर कोई भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश मत करिए। दूसरी बात ये कि अगर दो कुछ वाले कथन मिलते हैं तो उनसे भी कोई वैध निष्कर्ष मिलाकर नहीं निकलेगा। तीसरी बात यहां पर ये कि अगर एक कथन ऐसा है जिसमें नहीं आया है तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाबा अरस्तु बताकर गए हैं कि निषेधात्मक आधार सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, यह सकारात्मक से नकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रेमिसिस के ग्रुप में एक कथन जो है उसमें नहीं आया है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नहीं होगा। और चौथी बात यहां पर ये कि एक कथन में अगर कुछ आया है, अगर उसकी मात्रा सम है तो निष्कर्ष भी यहां पर क्या है, सम होना चाहिए। दो सर्वव्यापी कथनों से अंशव्यापी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पर अगर हम इन चारों नियमों को ध्यान में रखें जो मात्रा और गुण से संबंधित हैं, तो हम रीजनिंग, हम सिलोजिज्म के किसी भी सवाल को उसको डायग्नोस करने और उसके कुछ ऑप्शंस को बहुत आसानी से एलिमिनेट करने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात यहां पर ये कि जब आप सिलोजिज्म को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप यहां सबसे पहले ये पहचानिए कि कॉमन टर्म क्या होता है। कॉमन टर्म क्या होता है अर्थात ऐसा कौन सा पद है जो दोनों आधार वाक्यों में आ रहा है, जो दोनों आधार वाक्यों में आ रहा है, जो दोनों कथनों में आ रहा है वो कॉमन टर्म है। और कॉमन टर्म जो है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। कॉमन टर्म कम से कम एक बार अपने पूरे क्षेत्र को बताने वाला होना चाहिए। अब यहां पर आपको मैंने प्रयोग किया पूरा क्षेत्र, तो एक कंट्रास्ट इसका होगा अधूरा क्षेत्र। देखिए जितने भी टर्म है, पद हैं, जिनके पहले सब आता है, जिनके पहले कोई नहीं आता है, कोई आता है, वे पूरा क्षेत्र को बताने वाले होते हैं। जितने भी पद हैं जिनके पहले कुछ आता है वो अधूरे क्षेत्र वाले पद होते हैं। दूसरी बात, जितने भी पद ऐसे हैं जिनके बाद में नहीं आता है वो अपने पूरे क्लास को, मेंबर्स को बताते हैं, पूरे क्षेत्र को क्या बताते हैं। तो सिलोजिज्म को हल करने का जो पहला बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपको जब दो स्टेटमेंट मिलते हैं, दो कथन आपको मिलते हैं, तो आप इसमें डायग्नोस करिए कि उसमें कॉमन टर्म कौन सा है। जैसे यहां पर आप देखिए कि किसी सिलोजिज्म को हल करने के संदर्भ में, जैसे मैं यहां पर यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, कुछ सिपाही कायर होते हैं।
कायर पद पहले वाले कथन में भी आया है और कायर पद जो है वो दूसरे वाले कथन में भी आया है। तो कायर पद जो पहले वाले कथन में आया है और कायर पद जो दूसरे वाले कथन में आया है ये कॉमन टर्म हो गया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम कॉमन टर्म को पहचान जाएं, फिर हम ये देखें कि कॉमन टर्म पूरे क्षेत्र को बता रहा है या नहीं बता रहा है। फिर यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात, वह यह है कि जो आप कंक्लूजन सिलोजिज्म में ड्रॉ करेंगे वह हमेशा अनकॉमन टर्म से बनेगा। ये बात बहुत सिंपल है लेकिन कई बार जब आपसे ऑब्जेक्टिव लेवल पर सवाल पूछे जाते हैं तो उनमें ऐसे ऑप्शंस रखे जाते हैं जहां पर अनकॉमन टर्म के साथ कॉमन टर्म रखकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो अगर वाकई दो कथनों से मिलाकर कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा है तो वहां पर निष्कर्ष हमेशा अनकॉमन टर्म से होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर ये कि रीजनिंग में एक गोल्डन रूल है और वो गोल्डन रूल अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये है कि हमें किसी भी सीमित विषय क्षेत्र से व्यापक विषय के बारे में अनुमान नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी अधूरे पद से जो अपने वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में बात नहीं करता है उस अधूरे पद से हमें कभी भी पूरे पद के बारे में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। मतलब इस बात को सुनिश्चित करिए कि किसी भी अधूरे पद से पूरे पद के बारे में आपको निष्कर्ष नहीं निकालना है। यहां ध्यान दीजिए कि जब मैं ये बात कह रहा हूं कि अधूरा और पूरा, तो एक व्यक्ति रीजनिंग में पूरे क्षेत्र वाले पद से दूसरे पूरे क्षेत्र को निकाल सकता है, पूरे से वो अधूरे को निकाल सकता है, अधूरे से वो अधूरे को भी निकाल सकता है। लेकिन रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, सिलोजिज्म में और दूसरी जगहों पर वो कभी भी अधूरे से पूरे को नहीं निकाल सकता। सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक है कि सीमित से व्यापक के बारे में आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। अब आपको ये लगेगा तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आपको लगेगा कि मैं ये पूरा अधूरा की बात कैसे इतनी कर रहा हूं। दरअसल जो लॉजिक की किताबों में डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, उसके लिए मैं यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर पूरा पद प्रयोग कर रहा हूं। और हम चार प्रकार के कथनों का जो यूज करते हैं तो उन चार प्रकार के कथनों का यूज करने में थोड़ा सा हम कुछ चीजें समझ जाए। जैसे एक प्रकार का कथन है सब यस पी है, सब कुत्ते जानवर हैं। दूसरे प्रकार का कथन है कोई यस पी नहीं है। तीसरे प्रकार का कथन है कुछ यस पी है। चौथे प्रकार का कथन है कुछ यस पी नहीं है। अब यहां पर मैं थोड़ा पूरे और अधूरे को बताऊंगा। इसमें यस के पहले सब आया है, इसका मतलब यस वर्ग के सभी सदस्यों की बात है इसलिए यह पूरा पद है। और इसमें पी के बाद है आया है इसलिए पी के बाद इसमें पी के बाद है और पी के बाद है का मतलब यह हुआ कि यह पी वर्ग के सभी सदस्यों की बात नहीं करता है बल्कि पी वर्ग के कुछ सदस्यों, ऐसे सदस्यों की बात करता है जो यस से संबंधित है। जैसे आप एक उदाहरण से इस बात को समझिए। मेरे किचन के सब चम्मच स्टील के हैं। मैं यहां अपने किचन में अगर 5 चम्मच रखता हूं तो मैं 5ों की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं स्टील के सभी बर्तनों की बात जो पूरी दुनिया में है, पूरे मेरे किचन में है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उसी स्टील की बात कर रहा हूं जो चम्मचों से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि मैं चम्मच, मेरे किचन के सब चम्मच स्टील के हैं, यहां पर मैं चम्मचों के पूरे वर्ग के बारे में बात कर रहा हूं, चम्मचों के वर्ग के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मेरे किचन में 5 चम्मच हैं तो सब का मतलब 5, अगर मेरे किचन में 10 चम्मच हैं तो 10 चम्मच हैं तो 10 का सब का मतलब 10, अगर मेरे किचन में 100 चम्मच हैं तो सब का मतलब 100 होगा।
यहां पर, लेकिन जब मैं स्टील की बात कर रहा हूं तो मैं सारे स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि स्टील वर्ग के उन सदस्यों की बात कर रहा हूं जो चम्मच वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए मेरी बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि जिसको हम मानक वाक्य सर्वव्यापी सकारात्मक कहते हैं, जिसको सब यस्पी कहेंगे, उसमें सब्जेक्ट तो पूरा होगा लेकिन प्रेडिकेट जो होगा वो क्या होगा, अधूरा होगा। लेकिन इसी तरह से जब हम कहेंगे कोई एसपी नहीं है तो इसमें यस पूरा है और पी भी क्या है, पूरा है। इसमें यस वर्ग के प्रत्येक सदस्य की बात है। और जब मैं किसी को निगेट करता हूं तो निगेट करने के लिए मुझे पूरे वर्ग की बात करनी होगी। जैसे अगर मैंने ये कहा कि प्रयागराज का कोई भी डॉक्टर एफआरसीएस नहीं है तो इसका मतलब कि मैं एफआरसीएस वर्ग के प्रत्येक सदस्य और डॉक्टर वर्ग के प्रत्येक सदस्य की बात कर रहा हूं। इसलिए सब एसपी है, इसमें सब्जेक्ट पूरा होगा, प्रेडिकेट अधूरा होगा। कोई एसपी नहीं है, इसमें दोनों पूरे होंगे। कुछ एसपी हैं, इसमें दोनों अधूरे होंगे, ये भी अधूरा और ये भी अधूरा होगा। और कुछ एसपी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट अधूरा होगा लेकिन प्रेडिकेट क्या होगा, यह क्या होगा, पूरा होगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये पूरे और अधूरे की कहानी है। रीजनिंग का गोल्डन रूल ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी अधूरे से पूरा न निकाला जाए। तो अब अगर हम लोग इस चीज को समराइज करें, इस चीज को कंक्लूड करें, तो न्याय वाक्य को हल करने का जो बेन आरेख वाला ये जो तरीका अपनाते हैं आप, इससे अलग भी एक अचूक तरीका हो सकता है। और वह तरीका क्या है कि आप यहां पर डायग्नोस करिए कि किसी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनका, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। क्वालिटी बनती है ऑल और सम से, क्वांटिटी क्वांटिटी बनती है ऑल और सम से, और क्वालिटी बनती है पॉजिटिव और निगेटिव से। तो दो नहीं वाले कथन से मिलाकर कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दो कुछ वाले कथन से मिलाकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, एक कथन नहीं है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नहीं होगा। और अगर एक कथन अंशव्यापी या कुछ वाला है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, अंशव्यापी होगा। जो पद हैं इनके बारे में नियम क्या है कि कॉमन टर्म आप पहचानिए, कॉमन टर्म कम से कम एक बार पूरे क्षेत्र का होना चाहिए। निष्कर्ष जो होगा वो हमेशा अनकॉमन टर्म से बनेगा। और इसके साथ ही अधूरे पद से पूरे पद के बारे में अनुमान नहीं करना है। सिलोजिज्म को हल करने के संदर्भ में अगर इन तरीकों को कोई ध्यान में रखता है तो किसी भी सिलोजिज्म को हल किया जा सकता है। जैसे मैं यहां पर कुछ सरल से सवाल ले रहा हूं, मैं यूपीपीसीएस या मैं यहां पर यूपीपीसीएस के सीसेट का एक सवाल ले रहा हूं। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, कुछ सिपाही कायर होते हैं। इसमें जो कायर है वो कॉमन हो गया, कॉमन टर्म एक बार पूरे क्षेत्र को बताने वाला होना चाहिए। कायर के बाद नहीं आया है इसलिए कॉमन टर्म है ये और पूरे क्षेत्र को बता रहा है। अनकॉमन से निष्कर्ष बनेगा, बहादुर और सिपाही से क्या होगा, आपका निष्कर्ष बनेगा। और जो निष्कर्ष यहां पर बनेगा वह नकारात्मक होगा, और एक बार कुछ आया है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, कुछ होगा। इसलिए कुछ बहादुर सिपाही नहीं है या कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, इसमें कुछ बहादुर सिपाही नहीं होते हैं ये नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सिपाही यहां पर अधूरा है, कुछ आया है यहां पर। अगर हमने ये कहा कि कुछ यहां पर बहादुर सिपाही नहीं होते हैं तो हम अधूरे से पूरा पद निकालेंगे। इसलिए इसमें निकलेगा कि कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, और ये सी में क्या है, दिया गया है। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिलोजिज्म को हल करने के कुछ तरीके नियम आधारित भी हो सकते हैं। आप कथन को देखिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर दोनों कथन नेगेटिव है तो उससे मिलाकर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप ये देखें कि दोनों कथन पर्टिकुलर हैं, तो वहां भी दोनों को मिलाकर कोई भी वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। तीसरी बात आप ये देखें कि अगर एक कथन नेगेटिव है तो कंक्लूजन जरूर नेगेटिव होगा, एक कथन नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने में आप देखेंगे कि आप कई ऑप्शंस को इस आधार पर एलिमिनेट कर देंगे। और इसके साथ ही अगर एक कथन पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पर्टिकुलर होना चाहिए। इसके अलावा टर्म पर ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म, इनको ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट टर्म जो होना चाहिए, जो टर्म होना चाहिए जो दोनों कथनों में आता है, उसको कम से कम एक बार पूरे क्षेत्र को बताने वाला होना चाहिए, उसे कॉमन टर्म कहते हैं। अनकॉमन टर्म से ही कंक्लूजन बनेगा, यह भी बात बहुत सिंपल है लेकिन कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरी बात यहां पर ये कि किसी भी अधूरे क्षेत्र वाले पद से पूरे क्षेत्र वाले पद के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। आप इन नियमों का प्रयोग करके, चाहे वो आईएएस के सीसेट में पूछा गया सिलोजिज्म हो, यूपीपीसीएस के सीसेट में, या किसी भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में जो भी सिलोजिज्म के सवाल पूछे जाते हैं, उनको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ प्रश्नों को भी हल कराने जा रहा हूं, जिसको यहां पर प्रश्नों को जो है आप हल करने में ये पाएंगे कि कैसे इन रूल्स को अप्लीकेशन किया जा रहा है। जैसे आप ये देखिए, मैंने कहा कि पहले कॉमन टर्म पहचानिए। इस सवाल को आप देखिए, जो 11वां सवाल है उस 11वें सवाल को आप देखिए। सभी इतिहासकार गायक हैं, सभी गायक संगीतकार हैं। इनमें गायक पद पहले दोनों कथनों में आया है, पहले दोनों कथनों में आया इसलिए कॉमन टर्म हो गया। कॉमन टर्म एक बार पूरे क्षेत्र को बताने वाला होना चाहिए, सभी गायक में यह शर्त भी पूरी होती है। अनकॉमन है इतिहासकार और संगीतकार, इतिहासकार और संगीतकार अनकॉमन है, इसका मतलब किससे निकलेगा कि सभी इतिहासकार संगीतकार हैं। इतिहासकार और संगीतकार का जो कथन है, फिर हम इस निष्कर्ष को दूसरे का एक कथन बना सकते हैं। संगीतकार और संगीतकार ये दो कॉमन टर्म हो गए, इतिहासकार और अभिनेता ये मिलेंगे। एक बार कोई कथन नकारात्मक है तो उसे नकारात्मक निष्कर्ष क्या है निकलेगा, तो कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है यह भी निकल सकता है, और कोई इतिहासकार अभिनेता नहीं है यह भी निकल सकता है। चूंकि इसमें डी ऑप्शन में यह दिया गया है कि कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, और ये पहले दो कथनों से एक निष्कर्ष निकालने पर और उस निष्कर्ष और तीसरे कथन को मिलाकर कुछ नियमों का प्रयोग करने पर यह निकलता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या होगा, वह डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से क्या है कि आप ये पाएंगे कि हम ऐसे सवालों को जो यूपी ट्रिपल एससी में, जो यूपी पीसीएससी सेट में, जो आईएएस में, इन सब में पूछे जाते हैं, उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।